फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको शेष भाग आई एम जॉन हार्ट जेडी रेड क्लिफ सेकेंड पार्ट कुछ रह गया था उसमें बताते हैं। कंज्यूम मीन्स यूज एब्जर्व उपभोग करता हूँ। टेन टाइम्स मीन्स 10 गुना। रिक्वायर्ड मीन्स नीडेड आवश्यकता पड़ती है। ऑर्गन्स मीन्स अंगों। टिश्यूज मीन्स तंतुओं। एक्सट्रैक्ट मीन्स टेक अवे बाई फोर्स जबरदस्ती छीनता हूँ। कोरोनरी आर्टरीज मीन द आर्टरीज दैट कैरी ब्लड टू द हार्ट हृदय में रक्त ले जाने वाली धमनियाँ। आई एम फैट मीन मुझे भोजन दिया जाता है। ब्रांचिंग ट्रीज मीन्स अ ट्री विद मैनी ब्रांचेस अनेक शाखाओं वाला वृक्ष। ट्रंक्स मीन्स वृक्षों के तने। ड्रिंकिंग स्ट्रॉज मीन्स नैरो स्ट्रा और प्लास्टिक पाइप टू सिप कोल्ड ड्रिंक्स ठंडे पे पीने के लिए पतली नलियाँ। फैटी डिपॉजिटेड मीन्स डिपॉजिट ऑफ 50 फैटी सब्सटेंस चर्बीले पदार्थों की जमाव। टू बुल्ट अप मीन्स टू डिपॉजिट जमा हो जाना जमा करना। क्लॉट मीन्स हाफ सॉलिड लम्प ऑफ ब्लड खून का छिछड़ा या गांठ। मे फॉर्म मीन्स बन जाता है। ब्लॉक्ड मीन्स क्लोज्ड बंद। फीड्स मीन्स गिव्स फूड भोजन देती है। स्कार टिश्यू मीन्स घाव के निशान के तंतु। मार्बल मीन्स स्मॉल ग्लास बॉल द चिल्ड्रन प्ले विथ बच्चों के खेलने के लिए कांच की गोली। प्लग्ड मीन्स क्लोज्ड बंद फंसी हुई। आर्टरी मीन्स वह नाड़ी जो खून को हृदय से बाहर लाती है। ट्विंग ऑफ पेन मीन्स सडन शार्प पेन अचानक उठने वाला तेज दर्द। क्लॉग्ड मीन्स ब्लॉक्ड बंद हो गई फंस गई। रियर मीन्स पीछे वाली। टू स्वीप अवे मीन्स टू क्लीन साफ करना। डेड टिश्यू मीन्स मरा हुआ तंतु। रिपेब मीन्स कवर फिर से ढक लेता है। पी मीन्स मटर। हेरिडिटी मीन्स वंशानुक्रम। टू मिनिमाइज मीन्स टू डिक्रीज एज मच एज पॉसिबल अधिक से अधिक कम कर देना। रिस्क मीन्स डेंजर खतरा हिंदी। मुझे अपनी पौष्टिकता किस तरह मिलती है वास्तव में खून से, किंतु यद्यपि मैं शरीर के बाहर के केवल 100% का प्रतिनिधित्व करता हूँ तो मुझे रक्त आपूर्ति का लगभग 1/20 चाहिए। इसका अर्थ है कि जितना पौष्टिकता शरीर के अन्य भाग एवं स्नायु संस्थान को चाहिए मैं उससे लगभग 10 गुनी अधिक का उपभोग करता हूँ। किंतु अपने चारों कोष्ठों चैम्बरों में से गुजरने वाले रक्त में से मैं पौष्टिकता नहीं खींचता हूँ। मैं अपनी 2 कोरोनरी धमनियों के द्वारा भोजन पाता हूँ जो शाखाओं वाले छोटे वृक्षों जैसे ही तिनके तने पे पदार्थ पीने वाली नलिकाओं से अधिक मोटे नहीं होते हैं। यही मेरा दुर्बल स्थान है। इस स्थान पर परेशानी होना मृत्यु का सबसे बड़ा एक कारण होता है। कोई नहीं जानता कि यह कैसे होता है, किंतु जीवन के आरंभ में कभी कभी तो मन जन्म के समय ही कोरोनरी धमनियों में चर्बी वाले जमाव होने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे वे एक धमनी को बंद कर सकते हैं अथवा उसे एकाएक बंद कर देने के लिए कोई एक छिछड़ा बन सकता है। जब एक धमनी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो उसके द्वारा पोषित हृदय की मांसपेशी का भाग मर जाता है। इससे घाव के निशान वाली कोशिका रह जाती है। यह बच्चों के द्वारा खेलने वाले छोटे कंचे से बड़ी नहीं हो सकती है और यह टेनिस की गेंद की आधे आकार की भी हो सकती है। यह परेशानी कितनी गंभीर है यह बात अब अवरुद्ध धमनी के आकार व स्थिति पर निर्भर करती है। 5 वर्ष पूर्व जॉन को दिल का दौरा पड़ा और उसे इसका पता भी नहीं चला। जॉन इतना व्यस्त था कि उसे अपनी छाती में दर्द की उस छोटी चुभन का कोई पता नहीं चला। वह धमनी जो अवरुद्ध हुई और मेरे पीछे वाली दीवार पर की एक छोटी धमनी थी उस मरे हुए तंतु को निकाल कर फेंक देने में और उस स्थान पर एक मटर के दाने के बराबर घाव के से निशान वाले क्षेत्र को ढक देने में मुझे 2 सप्ताह लग गए। जॉन ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहां हृदय रोग बहुधा होता रहता है, इसलिए आंकड़े कहते हैं कि मैं भी इस
इसे उसे परेशानी देता रहूँगा। वास्तव में वह अपने वंशानुक्रम में कोई दखल नहीं दे सकता है, किंतु खतरे को कम से कम कर देने के लिए वह बहुत कुछ कर सकता है। ओवरवेट मींस वेरी हैवी वेट, बहुत अधिक वजन। फैटनेस मींस मोटापा। जॉक्स मींस मजाक करता है। स्प्रेड मींस फैटनेस, फैला हुआ शरीर। कैपिलरी मींस वेरी थिन ब्लड वेसल, बहुत महीन रक्त वाहिनी, नसें, कोशिकाएं। हैट मींस यहाँ पर चर्बी से। ब्लड प्रेशर मींस रक्त का दाब। कॉन्ट्रैक्टिंग मींस सिकुड़ना। बीट्स मींस धड़कनें। फिगर मींस संख्या। एडिक्वेट मींस सफिशियंट, पर्याप्त। वर्क टू डेथ मींस डाई, मर जाता है, मर जाने के कर्म करता है। एग्जिक्स वेट मींस ओवर वेट, जरूरत से ज़्यादा वजन या मोटापा। टू गेट रेड ऑफ मींस टू एस्केप फ्रॉम समथिंग, किसी बात या व्यक्ति से पीछा छुड़ाना। ड्रॉप मींस डिक्रीज, कमी। फॉलो मींस कम, आफ्टरवर्ड्स बाद में आना। एब्जॉर्बिंग एन अमाउंट मींस पर्याप्त मात्रा में ग्रहण कर लेना, समा लेना। निकोटीन मींस अपॉइजनस सब्सटेंस फाउंड इन तंबाकू, तंबाकू में पाया जाने वाला एक विषैला पदार्थ। प्रिटी वायलेंट स्टफ मींस ए वेरी हार्मफुल थिंग, बहुत हानिकारक वस्तु। कंट्रैक्ट्स मींस श्रृंख सिकुड़ता है। स्टिमुलेट्स मींस एक्साइट, उत्तेजित करता है। रैपिडली मींस स्पीडली, तेज गति से। कॉन्स्टेंट मींस लगातार, कंटिन्यूस। निकोटीन इटीमुलेशन मींस हार्मफुल एक्साइटमेंट ऑफ निकोटीन, निकोटीन का हानिकारक प्रभाव। स्ट्राइप मींस स्ट्रगल, संघर्ष। फ्रक्ट मींस वरिंग, चिंता करते रहना। कंपटीटिव मींस वह जो अभ्यास वर्ष प्रतियोगिता में भाग लेता रहता है। एम्बिशियस मींस हैविंग हाई डिजायर्स, महत्वाकांक्षा रखने वाला। एड्रिनल ग्लैंड्स मींस द ग्लैंड्स अबव द किडनीज ऑफ ए मैन, मनुष्य के गुर्दे के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथियां। एड्रिनलिन मींस द सिक्रेशन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स व्हिच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेल्स, ग्रंथियों से निकलने वाला रस जो हृदय गति रुकने का इलाज करने काम आता है। नोराड्रेनालिन मींस अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्रंथियों के द्वारा उत्पन्न किया गया एक पदार्थ। टाइटेंड आर्टरीज मींस कंस्ट्रक्टेड आर्टरीज, सिकुड़ी हुई धमनियां। पेस मींस रेस्ट, दौड़। हिंदी, हम अधिक वजन के बारे में बात करें। अधेड़ आयु में अपने शरीर के फैल जाने की बात को लेकर जॉन मजाक करता है, किंतु यह कोई हंसने की बात नहीं है। आवश्यकता से अधिक प्रत्येक किलो चर्बी में लगभग करीब 700 किलोमीटर कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से मुझे खून भेजना होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अधिक किलो वजन के लिए भी काम करना होता है। यह मुझे जॉन के रक्त दाब की ओर ले चलता है। यह 1/40/90 है, जो उसकी आयु के हेतु सामान्य की उच्चतर सीमा है। 140 उस दाब का मापन है जिसके विरुद्ध में सिकुड़ने के समय काम करता हूँ, तथा 90 वह दाब है जिस समय की वह धड़कनों के मध्य विश्राम करता हूँ। कम वाली संख्या अधिक महत्वपूर्ण है। यह संख्या जितनी ऊंची होती जाती है, मुझे उतना ही कम विश्राम मिलता है, और बिना विश्राम पाए तो एक हृदय काम करते करते मर जाएगा। अपने रक्त दाब को सुरक्षित स्तरों पर नीचे रखने के लिए ऐसे अनेक काम हैं जो जॉन कर सकता है। पहला कार्य तो आवश्यकता से अधिक भार से छुटकारा पाना है। इसके परिणामस्वरूप रक्त दाब में होने वाली कमी से उसे आश्चर्य होगा। धूम्रपान करना एक अन्य कारण है। एक दिन में जॉन 40 सिगरेट पी लेता है। इसका अर्थ है कि वह 24 घंटों में निकोटीन की काफ़ी मात्रा, बड़ी मात्रा को अपने अंदर समा लेता है। यह बहुत हानिकारक पदार्थ है। इसमें धमनियां, विशेष रूप से हाथों एवं पैरों की सिकुड़ जाती हैं, और जिस दाब के विरुद्ध मुझे काम करना होता है वह दाब बढ़ जाता है। यह मुझे उत्तेजित भी करता है, जिससे मेरी धड़कन अधिक बढ़ जाती है। एक सिगरेट मेरी सामान 72 वाली धड़कन को 80 वाले दशक में बढ़ाकर ले जाती है। जॉन अपने आप को बताता है कि यह आदत इतनी पुरानी पड़ चुकी है कि सिगरेट छोड़ी ही नहीं जा सकती। अतः हानि तो हो चुकी है, किंतु यदि वह निकोटीन से लगातार मिलने वाली उत्तेजना से पीछा
छुड़ा ले तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। उच्च स्तर पर संघर्ष, अन्य दूसरे तरीकों से भी जॉन मेरी सहायता करता है। वह स्पर्धा करने वाला महत्वाकांक्षी एक प्रकार का सफल व्यापारी है। वह इस बात को नहीं जानता कि उसके लगातार चिंता करते रहने से उसकी एड्रेनल ग्रंथि लगातार उत्तेजित होती रहती है, जो अधिक मात्रा में एड्रेनलिन तथा नॉरएड्रेनालिन को उत्पन्न करने लगती है। इसका वही असर होता है जो निकोटीन का होता है। धमनियां तंग हो जाती हैं, रक्त दाब ऊंचा हो जाता है, मेरे लिए सबसे अधिक तेज दौड़ने की आवश्यकता बन जाती है। रिलैक्सेस मींस टेक्स रेस्ट, आराम करता है। नैप इज शॉर्ट स्लीप मींस ए शॉर्ट स्लीप, झपकी या थोड़ी देर की नींद। स्टप मींस मटेरियल सामग्री। वीक एंड एथलीट मींस पर्सन हु प्ले ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक, वे लोग जो सप्ताह के केवल अंतिम दिन ही दौड़ते खेलते हैं। डोज मींस खुराक। टेक इट इन द बिग डोजेज हेयर, प्ले टू मच, बहुत ज़्यादा खेलते रहने से है। रस अप टू द नेट बिट इन टेनिस मींस टू मच ऑफ रनिंग इन द गेम ऑफ टेनिस टू गेट एग्जॉस्टेड, टेनिस खेलने में इतनी भाग दौड़ करने की बेहद थकान हो जाए। बाई फाइव मींस पाँच गुना। माइल्ड एक्सरसाइज मींस लाइट एक्सरसाइज, हल्का व्यायाम। फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स मींस अ सेट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों की एक पूरी दौड़ सीढ़ियाँ। हर्ट मींस हार, नुकसान पहुंचा देना। फ्लोर मींस स्टोरी मंजिल। वॉकअप मींस टू गो अप द स्टेयर्स, सीढ़ियाँ चढ़ना। फर्स्ट टू फ्लाइट मींस स्टेयर्स ऑफ द फर्स्ट टू फ्लोर्स, पहली दो मंजिलों की सीढ़ियाँ। पाथवेज मींस रूट्स, रास्ते। टू नरिश मींस टू फीड मी, मुझे भोजन देने के लिए। डाइट मींस खुराक। डाइट फैनेटिक मींस अ पर्सन विलिंग टू ईट ओनली सर्टेन काइंड्स ऑफ फूड, अपने भोजन के बारे में बहुत अधिक छानबीन करने वाला आदमी। टू मच कॉन्शियस ऑफ वंस फूड मींस वन हु टेक्स टू मच केयर ऑफ वंस फूड, अपने भोजन के बारे में बहुत सावधानी रखने वाला। फैट्स मींस चर्बी निकले पदार्थ, घी तेल आदि। क्लॉग्ड मींस क्लोज प्लग्ड, अवरुद्ध फंसी हुई। ब्लॉकेज मींस क्लोजिंग, अवरुद्धताएँ। कैलरीज मींस अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड, भोजन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा। डिमांडिंग टाइप मींस अ मैन हु आस्क फॉर टू मच, बहुत अधिक कामना करने वाला व्यक्ति। ब्रेक्स मींस इंटरवल टू टेक रेस्ट, विश्राम करने के लिए बीच बीच में खाली समय। स्लिम डाउन मींस टू बिकम थिन, दुबला पतला हो जाना। कट डाउन मींस टू रिड्यूस, कम करना। हिंदी, बात यह है कि यदि जॉन आराम करता है तो मैं आराम करता हूँ। कभी कभी झपकी ले लेने से सहायता मिल जाती है। कार्यालय से चिंता वाले सामान को घर लाने की अपेक्षा उसे हल्की फुल्की चीज़ें पढ़ने की चेष्टा करनी चाहिए। व्यायाम भी एक और बात है। सप्ताह के अंत के दिन खेलने वाले खिलाड़ियों में से जॉन एक है जो बहुत अधिक खेलता है। यह अभी भी टेनिस के मैदान में इधर से उधर जाल तक मारकर जाना पसंद करता है, किंतु जब वह ऐसा करता है तो मेरा साधारण कारभार पाँच गुना बढ़ जाता है। जॉन को करना चाहिए वह है नियमित हल्का व्यायाम। एक दिन में एक या दो किलोमीटर का घूमना लाभदायक होगा। अपने कार्यालय की दो मंजिल की सीढ़ियों पर चढ़ना भी उसे नुकसान नहीं करेगा। उसका कार्यालय दसवीं मंजिल पर है, किंतु वह पहली दो मंजिलों तो सीढ़ी पर चढ़कर पार कर सकता है और फिर लिफ्ट ले सकता है। इस प्रकार की छोटी छोटी बातों से बड़ा असर पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा कि चर्बीले जमावों ने मेरी कुछ धमनियों को अवरुद्ध कर दिया है, किंतु नियमित व्यायाम से रक्त के नवीन रास्तों का विकास होता है। यदि एक धमनी बंद हो जाती है तो भी अनेक और भी मुझे भोजन देने के लिए होती हैं तो सही। अंत में खुराक है, मैं जॉन को केवल कुछ ही खाद्य पदार्थों के पीछे पड़ जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, फिर भी मेरी धमनियों में अवरोधन उत्पन्न कर देने के लिए चर्बियाँ काम करती हैं। अपनी भोजन ऊर्जा का 45% भाग जॉन चर्बियों से ग्रहण करता है। औद्योगिक देशों में अन्य लोगों की भांति जो कि इसी प्रकार का भोजन करते हैं, जॉन का भी 50% संयोग धमनियों की अवरोध होकर मर जाने से है। मैं बहुत अधिक कामनाएं नहीं करता हूं। मैं किसी की परिस्थिति में जॉन के लिए सबसे अच्छा करूंगा।
अच्छे से अच्छा करूँगा। ठीक इसी प्रकार से मैं भी चाहता हूँ वह भी मुझे विश्राम के कुछ क्षण देता रहे। शरीर को थोड़ा हल्का कर लें, नियमित व्यायाम करें, थोड़ा अधिक विश्राम किया करें, चर्बीले पदार्थों की आहार व धूम्रपान में कमी कर दें। यदि वह केवल इन बातों का पालन कर ले तो मैं जोन के लिए बहुत लंबे समय तक काम करता रह सकता हूँ। थैंक्स।